सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जहां तक तुम्हारी निगाहों ने देखा तेरे ही दिव्यता का जलवा मिला है, फर्क से जमीन तक, जमीन से फर्क तक, तेरी जात के बासवार और क्या है, तेरा नाम लिखकर कलम रख दिया है, तुम्ही इब्तिदा तुम्ही इंतहा है। मौसम हमारे साथ क्या शुरू करता है, तो 8 बजे के बजाय 9 बजे जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वार्निंग करें ताकि जोन की नजर से पहले आप लोग फारिग हो जाए। दूसरा कुछ वालदैन की तरफ से भी आमद हम बहुत देर से हुई जाए मौसम की खराबी की तरफ, तो सबसे पहले तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और उसको चार चांद लगाए। जो चीज़ मैं कभी महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि क्लैपिंग बहुत कम हो रही है, आप साल में 1 मरतबा तशरीफ लाते हैं, हालांकि आपको 4 मरतबा दी जाती है, ठीक है। आपका जो सालाना इंतकाफ होता है तरबियत इंतकाफ में बच्चों को नमाज का ढांचा, वजू का ढांचा, नमाज के मसनून तरीके, फ़राइज़, वाजिबात, उसके अलावा मसनून दुआएँ, ये जब कराई जाती हैं तो वालदैन को दावत दी जाती है कि आप साथ तशरीफ लाएँ, जो कि आप तशरीफ नहीं लाते ज़ाहिर नमाज और तशरीफ दे काम है, आपकी बस की बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्लैपिंग भी नहीं हुई, उनको पता था कि मैं ठीक कह रहा हूँ, हालांकि एक निजाम था इनाम। अच्छा, उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स लीग पे अनाउंस किया जाता है कि आप आएँ तशरीफ लाएँ, देखिए आपके बच्चे खेलों पे कैसे चले जाते हैं, वो भी नहीं आते। और एग्जीबिशन जो है इस मरतबा ये मेरी मिसेज का आइडिया था, नया बहुत अच्छा आइडिया था, इन्होंने कहा कि जो आप सालाना नुमाइश करते हैं उसको सूबों में तकसीम कर दिया जाए, तो चार पाँच टीचर्स को एक एक सूबा दिया गया, जिसमें से अभी आपने परफॉर्मेंस देखी है मेरा सिंध वारा देश, अभी आपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, चार सूबों को तकसीम करके पांचवा कश्मीर के साथ शामिल किया गया, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ कश्मीर भी हमारा सूबा बन गया है। तो इसमें बच्चों ने अपने सूबों के कल्चर दिखाए हैं, उनका कौमी लिबास, उनकी इलाकाई जुबान, उनके इलाकाई फोक रक्स, उनकी मौसीकी, खाने बनाए थे और चार जिले के चार कोनों को अलग अलग सजाया गया था, उसकी तस्वीरें आपको यूट्यूब पर मिल सकती हैं। मुस्लिम तराफ चैनल के ऊपर आप उसको देख सकते हैं, उसके अलावा अलमराज की जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, उसमें कहीं भी किसी बच्ची की तस्वीर शामिल नहीं की गई, आप इसका उसको देख सकते हैं। जो वालदैन तशरीफ लाए हैं, किसी भी बच्चे की तस्वीर और वीडियो लेना अपने मामूल पहले की तरह ही वो पाबंदी है, आप अगर लेना चाहें तो आप किसी बच्ची के अलावा बाकी जो छोटे बच्चों की वीडियोज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगी और फेसबुक पेज के ऊपर भी आ जाएंगे, और बड़े बच्चों की कोई तस्वीर नहीं लाई जाएगी और ना ही किसी को तस्वीर लेने की इजाज़त है, वरना मोबाइल ले लेंगे। आपने स्पोर्ट्स वीक का रिजल्ट सुना, अभी आपकी आपको हमने इस मतलब नई टीचर्स को शामिल किया कि ताकि वो भी कंपेयरिंग का फन सीखें। जो हमारा स्पोर्ट्स वीक का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, अभी मैं सालाना इम्तहानात का साल 2019-20 का रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। वालदैन की भरपूर फरमाइश के ऊपर हमने पहले प्ले ग्रुप रखा है, हालांकि मैं समझता हूँ कि पहले 10 क्लास का रिजल्ट ज़रूरी होता है, बड़ी क्लासेस से रिजल्ट लेके आए तो ज़रा वालदैन तसल्ली से बैठे रहते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चों के वालदैन आते हैं तो जब रिजल्ट हो जाते हैं तो फिर वो खिलखिली मच जाती है, कभी रिजल्ट कार्ड लेना है, कभी अपना इनाम लेना है और कभी उठ के चले जाते हैं, और आपका कसूर भी नहीं है कि ज़्यादातर जो है छोटी उम्र के बच्चों के साथ वालदैन आते हैं, पता नहीं बड़ी उम्र में ये समझते हैं कि बच्चे काबिल हो गए हैं या उस्तादों पर यकीन है, बस ठीक है जो करें कर लें हम नहीं जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल ना करें। बड़ी उम्र के बच्चे ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि अच्छा छोटे बच्चों के प्ले ग्राउंड इंडस्ट्री प्लेयर 1, 2, 3, 4 तक बच्चे आते हैं और उनके साथ वालदैन भी तशरीफ लाते हैं,
बड़ी उम्र के बच्चे जो 9th 10th होते हैं वो महसूस करते हैं कि हमारे वालदैन क्यों नहीं आए। तो खैर मेरे तो ये ख्याल था और स्टाफ का भी ख्याल था कि 10वीं से निजी की तरफ फ्लैट चलाया जाए। तो कुछ खवातीन का ये ख्याल था, खवातीन की तरफ से ये फरमाइश है कि ये बुले दो के बच्चे बैठ बैठ के तंग आ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे अपने जहर के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको भिजाया इसके कि उनको रुलाया जाते हुए तरजिया को उनका जहर पहले सुना दिया जाए। तो चलो बड़ा किस्सा आप देखते हैं, अगर आप सुन के चले गए तो नेक्स्ट टाइम आप इंतजार के लिए ये जरूरी होगा कि आप टेंथ से और वो नीचे आएंगे। तो अभी हम प्ले ग्रुप का रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। और प्ले ग्रुप की क्लास इंचार्ज खासतौर पर आपका क्लास इंचार्ज आपके प्रिंसिपल मिस्तैरा और आपके पूरे स्टाफ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की बहुत अच्छी अच्छा रिजल्ट है। बच्चे छोटे होते हैं, इतने छोटे बच्चों के साथ इनका रोना धोना ही नहीं खत्म होता, कभी का वाशरूम और पानी नहीं खत्म होता, इनको खिलाना भी और सर पढ़ाना भी और थोड़ा बहुत इनको जो लिखना और कलम पकड़ना और बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। तो इसमें हमारे पास कुल नंबर है 200, हासिल करता नंबर है 198.5, परसेंटेज है 99.2। फर्स्ट बजे बनाने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद तहागीर। शाबाशी, बहुत अच्छे वालदैन अपने आंखों को तकलीफ देते रहे, आपके बच्चों का रिजल्ट है, आप अपने बच्चों को खूब अप्रिशिएट करें। 200 में से 198.5 नंबर लिए हैं और इन्होंने भी बराबर नंबर लिए हैं और इनकी भी फर्स्ट क्वेश्चन है। इनका नाम है जी अब्दुल मोइज कामरान। बनाने वाले बच्चे ने 200 में से 197 नंबर लिए हैं और 98.5 इनकी परसेंटेज रही है। इनका नाम है जी फिजा अली कैसर। इसके अलावा थर्ड परसेंट बनाने वाले बच्चे ने 200 में से 195 नंबर लिए और इनका नाम है जी मनान सफदर। थर्ड परसेंट पर एक और बच्चे हैं, इन्होंने भी 200 में से 195 नंबर लिए हैं, 97.5 इनकी परसेंटेज रही है। इनका नाम है जी अनाबिया महवेश। एक और बच्चे भी है जी और इन्होंने भी इतने नंबर लिए हैं, इनका नाम है जी मोहम्मद अफिश्यार। आपने आई थी तो मैं आपको कहा था कि क्लास टीचर के लिए क्लैपिंग करें क्योंकि बहुत ही अच्छा चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन पर आने वाले एक और बच्चे हैं, उन्होंने भी इतने नंबर लिए हैं, ये भी थर्ड क्वेश्चन पर है, 200 में से 195 नंबर। आप देख रहे हैं कि आधे आधे नंबर के ऊपर मुकाबला है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनका नाम है उम्मे हानी न्याज। माशाल्लाह जी, एक और बच्चे हैं, उनका भी थर्ड क्वेश्चन है, उनका नाम है जी आरोश मुर्सिल। आरोश मुर्सिल, दूसरा इसके अलावा आपको पता ही है कि हम चौथी और पांचवी परसेंट का अनाउंसमेंट इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। चौथी परसेंट पर है खौला जुबैर। पांचवी परसेंट पर है जोया बीबी। क्लास नर्सरी में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है, ये तभी बहुत ही करते हैं। अरे आनो बाजार में फाया तो सारा शहर कराया, जद पूछे नहीं लिया फिर कुछ नहीं नजरी आया। तो मौलाना मोहसिन साहब,
आपको याद होगा जुमे की तकरीर में वो अक्सर ये फरमाया करते थे, अने लोग बाजार में खाया ते सारा सहर कराया, जब पूछा तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं नजरी आया,